अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नम्स के टेस्ट के हवाले से। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं नम्स का टेस्ट डिले होगा, नम्स का टेस्ट उसी पैटर्न पे होगा, नम्स का सिलेबस चेंज तो नहीं होगा, क्या नम्स टेस्ट आगे ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। अगर बात की जाए नम्स के टेस्ट के हवाले से, पहली बात तो ये है कि नम्स का जो टेस्ट है वो सेपरेट एक बॉडी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज और CMH जितने भी हैं उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है। और इसका जो ताल्लुक है एक जो प्रोविंस वाइज टेस्ट होता है MD CAD का, उससे नहीं होता। वो टेस्ट लाजमी है, हर कंपलसरी है, हर स्टूडेंट ने देना होता है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं नम्स का टेस्ट अभी 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, अभी तक कोई ऐसे चांसेस या कोई ऐसी नोटिफिकेशन या कोई ऐसी बात नहीं आई मीडिया पे जो हम आपको या ये बता सके कि, या कोई नम्स के ऑफिशियल्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि हम आपको बता सकें कि टेस्ट आगे जा रहा है या टेस्ट पोस्टपोन हो रहा है। फ़िलहाल नम्स का जो टेस्ट है वो 16 अक्टूबर को होगा। 16 अक्टूबर को नम्स का टेस्ट होगा। पेपर बेस्ड टेस्ट, उनके एंट्री टेस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। 150 MCQs हैं उसमें, 150 आपको मिनट्स मिलेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो भी पेपर बेस्ड वन डे पे टेस्ट कंडक्ट होगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने नम्स का सिलेबस देखना है या नम्स के सिलेबस के बारे में कंफ्यूज हैं, तो नम्स की साइट पर numspark.edu.pk की साइट पर उन्होंने सिलेबस अपलोड किया हुआ है, वो सिलेबस आपने फॉलो करना है नम्स के टेस्ट के लिए और 16 अक्टूबर को तैयारी करके टेस्ट देने जाना है। 16 अक्टूबर को टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद उनका मेरिट बनाने के लिए नम्स के थ्रू आपका मेरिट बनेगा, वो आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद जितने भी CMH वगैरह उनमें जाएंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि नम्स का टेस्ट आगे जाएगा या कोई और मसला होगा या कुछ ऐसा होगा जो PMC के टेस्ट के साथ चला जाएगा या PMC का, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं नम्स के टेस्ट की, नम्स का टेस्ट 16 अक्टूबर को होने जा रहा है और अपने टाइम पे टेस्ट होगा, सिलेबस उसका वही वहाँ पर अपलोड उन्होंने किया हुआ है, आप तमाम स्टूडेंट्स वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नम्स की जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 150 MCQs, 150 मिनट्स होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो वो इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है 30 मिनट उसके आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का, 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स उसके हैं। वो अगर देखा जाए तो वो इस बार कंपलसरी है, 5% उसकी वेटेज आपको मिलेगी एंट्री टेस्ट के अंदर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो MD CAD की तैयारी कर रहे हैं, जो नम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लाजमी नम्स के ऊपर फोकस करें और उनका टेस्ट 16 अक्टूबर को होगा इंशाल्लाह। अगर नम्स का कोई पैटर्न चेंज होता है या कोई अपडेट चेंज होती है तो इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स के साथ वीडियो लेकर आएंगे। नम्स के हवाले से, आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से, CMH के हवाले से या सिलेबस के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।